तक मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। 497 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा पर निकले तो उन्होंने सबसे पहले बांग्लादेश ही चुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के 2 दिन के दौरे पर हैं। आज सुबह जब वो ढाका पहुंचे तो खुद शेख हसीना स्वागत करने एयरपोर्ट पर पहुंची। प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश की आजादी के 50 साल पूरे होने पर पहुंचे हैं। उन्होंने वॉर मेमोरियल पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी, बलिदान और शौर्य को याद किया। आज प्रधानमंत्री मोदी के कई कार्यक्रम हैं। उन्होंने बांग्लादेश में रहने वाले भारतवंशियों से मुलाकात भी की। तो मोदी जब भी दूसरे देशों के दौरे पर जाते हैं वहां पर रहने वाले भारतवंशियों से मुलाकात जरूर करते हैं और ढाका में भी बिल्कुल ऐसी ही तस्वीर, ऐसी ही मुलाकात वहां पर देखने को मिली। आज तक संवाददाता चित्रा त्रिपाठी ने उन भारतवंशियों से मोदी की मुलाकात के बारे में बातचीत की। ढाका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की है। बड़ी तादाद में महिलाएं यहां पर उनसे मिलने के लिए आई थी। सभी के चेहरे इस वक्त खिले हुए हैं। पूछते हैं कि आप कहां से हैं, हिंदुस्तान से? और क्या, मैं राजस्थान से हूं और यहां मोदी जी को देखने आए थे, मिलने आए थे। वो हमसे आके पर्सनली मिले, हमें बहुत ही बहुत अच्छा लगा कि ये हमें जिंदगी में शायद दोबारा कभी मौका मिले ना मिले, आज हमें मिला, हम बहुत खुश नसीब हैं। आप कितने खुश हैं? कहाँ की रहने वाली हैं? मैं महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ, मुंबई से हूँ और मैं अर्चना रघुवंशी। आज मोदी जी से मिलकर हमको बहुत खुशी हुई, ऐसा लगा कि फैमिली के कोई मेंबर हमसे मिलने आए हैं। उन्होंने अपना रेड कार्पेट छोड़ के कोरोना वायरस में भी वो हमसे आके मिले, ऐसा बहुत खुशी हुई। हमारा ड्रीम आज पूरा हो गया, ऐसा सपने के पूरे जैसा होना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक सपना है और शायद कभी जिंदगी में ऐसा मौका भगवान करे दोबारा मिले, लेकिन ये बहुत ही अच्छा मौका था। मैं उत्तराखंड से हूँ और बहुत ही आनंद का दिन है आज हम सबके लिए। सो भारत माता की जय, भारत माता की जय। आपसे क्या मुलाकात हुई? नमस्कार, मेरा नाम शाहरुखा तिवारी है, मैं झारखंड से हूँ और इतने पास से मिला जो सपने की तरह था, बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर, हम सबको बहुत अच्छा लगा। देखिए, महिलाओं का सपना ज्यादा ही पूरा होता है, प्रधानमंत्री को खूब वोट भी पड़ते हैं महिलाओं के, और यहाँ पर इन लोगों के चेहरे भी खिले हुए हैं उनसे मुलाकात करने के लिए बाद। और एक मिनी इंडिया आप देखेंगे, ढाका में रहता है, यानी कि कोई उत्तराखंड से है, कोई झारखंड से है, कोई दक्षिण भारत से। मैम आप कहाँ से हैं? आई एम फ्रॉम तमिलनाडु, आई एम हेमा मालिनी। हेमा मालिनी है, एक हेमा मालिनी हमारे वहाँ है, एक यहाँ पर मुलाकात। थैंक यू मैम, इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज टू मीट द मिस्टर मोदी जी हियर एंड सीइंग हिम नियर बाय एंड ग्रीटिंग हिम, इट्स रियली अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस। मैं उत्तराखंड से हूँ और ये जो भारत और बांग्लादेश ने जो वैक्सीन का मैत्री का जो किया है, उसी का नतीजा है कि मैं पहला हूँ। यहाँ पे वैक्सीन मिल चुकी है, मिल चुकी है। प्रधानमंत्री गिफ्ट लेकर आए भी हैं, वैक्सीन के गिफ्ट लेकर भी आए हैं और इससे भारत बांग्लादेश के रिश्ते बहुत ज्यादा मजबूत हुए हैं। भारतीय समुदाय के ये लोग जो बांग्लादेश में सालों से रह रहे हैं, ये काफी ज्यादा खुश और उत्साहित दिखाई दे रहे हैं और इनको पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान और बांग्लादेश के रिश्ते को और ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। कैमरा पर्सन पवन के साथ चित्रा त्रिपाठी, ढाका आज तक। तो वैसे ढाका में अच्छी खासी आबादी है वोरा समुदाय के कारोबारियों की और जिनकी जड़ें गुजरात में भी रही हैं। मोदी ने वोरा समुदाय के लोगों से भी बात की और इस मुलाकात में उन्हें कैसा लगा ये भी बता रहे मेरे सहयोगी चित्रा। ढाका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोरा समाज के लोगों से मुलाकात की है। आपको बता दें काफी ज्यादा प्रभाव इनका देखा जाता है, ये सारे लोग गुजरात से ताल्लुक रखते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। पीएम से मिलकर कैसा लगा और प्रधानमंत्री ने क्या बातचीत की? बहुत ही खुशी हुई हमें, तो हम तो सोच रहे थे कि कैसे पीएम साहब से मुलाकात होगी। यहाँ मेरे साथ दाऊदी बोहरा समाज के हमारे बांग्लादेशी नेशनल सभी जो यहीं रहते, वैसे मूल गुजरात से हैं लेकिन यहाँ रहते, और मैं सईदना साहब का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मुझे इंडिया से भेजा है। तो हम लोग सईदना साहब का सलाम पहुँचाने के लिए जब आए तो सोच रहे थे कि कैसे मुलाकात होगी, कोरोना है, फर्स्ट विजिट है, प्रोटोकॉल है, सिक्योरिटी इश्यूज है। मोदी साहब तो गाड़ी से उतरे और सीधा पब्लिक के पास आ गए और बात लोगों से मुलाकात की सीधे। क्या कहा प्रधानमंत्री ने? मोदी साहब ने पहले गुजराती में कहा केम छो, और फिर पूछा कि सईदना साहब कैसे हैं, फिर हमने सईदना साहब का सलाम पूछा है तो उन्होंने कहा सईदना साहब तो उनका बार बार मुझे सलाम आता है। और फिर वी रिक्वेस्टेड मोदी साहब के हमारी छोटी कम्युनिटी है लेकिन यहाँ 30 साल से सईदना साहब नहीं आए हैं, बांग्लादेश इंडिया के पास है, तो आप तो बहुत, हम छोटे हैं लेकिन आप इंडिया के महान देश के महान पीएम हैं, तो
तो आप हुकूमत से हमारी अगुवाई करें कि सैयदना साहब की पूरे मान गौरव और सम्मान के साथ बांग्लादेश में विजिट हो। तो उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट कबूल की कि मैं बात करूंगा। ये दिलचस्प है, रिक्वेस्ट कबूल हो गई आप लोगों की। जी जी, हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं कि मोदी जी दोनों देश में, मैं बांग्लादेशी हूँ, सो आई एक्सपेक्ट के दोनों के देश की रिलेशनशिप और अच्छी होगी, एक दूसरे के प्रोग्रेस और हर एरिया में सपोर्ट बढ़ेगा। अच्छा, आप बांग्लादेश से हैं तो यहाँ पर मतलब मिक्स इंडिया और बांग्लादेश दोनों। हमारे लीडर जो है प्रेसिडेंट साहब वो इंडिया से है, बाकी सब हम बांग्लादेश से हैं। कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी का अपना जेस्चर है, अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपनी बातचीत से वो लोगों को निराश नहीं करना चाहते, एक उम्मीद बनाकर रखना चाहते हैं और पीएम से मिलकर ये लोग काफी ज्यादा खुश उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। बांग्लादेश भारत के रिश्तों को यहीं से पीएम और आगे लेकर जाएं, इस तरह की उम्मीद भी इन लोगों की ओर से जताई जा रही है। कैमरा पर्सन पवन के साथ चित्रा त्रिपाठी, ढाका, बांग्लादेश आज तक। सीधा चलेंगे ढाका, मेरी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। चित्रा, तमाम समुदाय के लोगों के साथ आप मुलाकात कर रही हैं, बातचीत कर रही हैं, तस्वीरें लगातार हमें दिखाती जा रही है और वो हम देख भी रहे हैं, लेकिन इस बीच बहुत अहम है क्योंकि आज पहला दिन, कल दूसरा दिन, कूटनीतिक मायने भी बहुत अहम है। साथ ही साथ चित्रा, जो कल पहले दौर की वोटिंग बंगाल में होनी है, कहीं ना कहीं वहां भी असर होगा। चित्रा, बिल्कुल सही कहा नवजोत आपने, सबसे बड़ा सवाल यही है। देखिए, आज का पूरा दिन कूटनीतिक रिश्तों को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने का है, तो कल जो दूसरा दिन है, धरती तो बांग्लादेश की रहेगी लेकिन बंगाल की जनता को बड़ा संदेश देने की कोशिश प्रधानमंत्री की ओर से की जाएगी और मतुआ समुदाय के मंदिर हरि मंदिर जाकर प्रधानमंत्री दर्शन पूजन करने वाले हैं, काली मंदिर भी वो जाकर दर्शन पूजन करने वाले हैं, माता रानी का आशीर्वाद लेंगे। लेकिन जब ये तस्वीरें बाहर निकलकर आएंगी तो यकीनन मतुआ समुदाय की, खासतौर पर जिनकी आबादी तकरीबन 2 करोड़ से 3 करोड़ के बीच में है पश्चिम बंगाल में, और उनको प्रभावित करने के तौर पर भी यह माना जा रहा है, इसलिए भी प्रधानमंत्री का यह दौरा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, जिसको लेकर राजनीतिक सरगर्मी भी काफी ज्यादा बढ़ी हुई है। टीएमसी के नेताओं की ओर से भी मतुआ समुदाय के लोगों से मुलाकात करना, मंदिर जाना, इसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन यकीनन हम सब जानते हैं कि जब भी इलेक्शन होते हैं प्रधानमंत्री एक अलग रणनीति के तहत कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज पहुंचाने की कोशिश करते हैं और वही इस वक्त भी बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसा कि तस्वीरें देखिए, एक तरफ बांग्लादेश आजादी के अपने 50 साल सेलिब्रेट कर रहा है और खास मेहमान मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनकर आए हैं। शेख मुजीबुर रहमान साहब की 100वीं जन्म जयंती है, इस खास मौके पर वो उनके मजार पर भी जाएंगे और वहां पर जाकर उनको याद करेंगे, उनके आदर्शों को। यकीनन ये अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान साहब यहां राष्ट्रपिता के तौर पर जाने जाते हैं, उनसे एक अलग लगाव है समूचे बांग्लादेश के लोगों का, और वहां पर जाकर जब प्रधानमंत्री एक संदेश देंगे तो यकीनन यहां के लोगों पर भी उसका असर पड़ेगा। तो एक तीर से दो निशाना नवजोत हम कह सकते हैं, एक तरफ बांग्लादेश को साधने की कोशिश यहां पर कूटनीतिक रिश्तों को नए आयाम पर ले जाने की ये पूरी की पूरी कवायद, तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में 5 जिलों की जिन 30 सीटों पर मतदान हो रहा होगा, खासतौर से जंगल महल का ये पूरा का पूरा इलाका, भारतीय जनता पार्टी ने एक भी सीटें 2016 में हासिल नहीं की थी लेकिन 2019 में यहां पर स्थिति बिल्कुल बदल गई थी और यहां पर शानदार उसकी परफॉर्मेंस रही थी। 19 के आधार पर ही 2021 को साधने की ये पूरी कोशिश और कवायद के तौर पर देखा जा रहा है, इसीलिए मतुआ समुदाय से यकीनन पश्चिम बंगाल के वोटरों को प्रभावित करने के तौर पर और एक बड़ा संदेश देने के तौर पर पीएम के इस दौरे को यकीनन याद रखा जाएगा। और इस बीच चित्रा, सबसे बड़ी अहम बात, चलिए आपने दोनों चीजों को अच्छे से समझाया, लेकिन देखिए सबसे बड़ी अहम बात यह है कि ढाका में जिस तरीके से प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ, क्योंकि जो हम तस्वीरें चित्रा देख रहे हैं, आप तो वहां पर घूम रही हैं, बताइए जरा, सड़कों पर प्रधानमंत्री मोदी के पोस्टर वहां पर पटे हुए, एक तरफ शेख हसीना, प्रधानमंत्री मोदी, दोनों की तस्वीरें हैं और लोगों ने दिल खोलकर स्वागत भी किया। बिल्कुल सही कहा आपने, देखिए बांग्लादेश और भारत का एक अलग रिश्ता है, बांग्लादेश के अस्तित्व में हिंदुस्तान का जिस तरह का रोल रहा है वो बताने की जरूरत नहीं, और बांग्लादेश हिंदुस्तान अपने रिश्तों को अब हमेशा, देखिए चाहे वो चीन हो चाहे अन्य दूसरे तमाम मुल्क हो, इनको इतर करके अपने दोनों ही देश एक दूसरे को मजबूत करने की कोशिश में लगातार लगे रहते हैं। मौजूदा वक्त की जो सबसे बड़ी जरूरत है वो है वैक्सीन की, क्योंकि जिंदगी को बचाना है और कोरोना वैक्सीन को लेकर जब गिफ्ट के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी यहां पर लैंड करें तो आप समझ सकते हैं कि जिंदगी यहां के लोगों की कितनी महत्वपूर्ण है और वो ये संदेश देना चाहते हैं। यहां की सड़कें पीएम मोदी, प्रधानमंत्री शेख हसीना की बड़े बड़े कटआउट से, होर्डिंग से पटी पड़ी है। इसके अलावा जो दोनों ही मुल्कों के झंडे हैं, एक तरफ हमारा तिरंगा है जो शान से लहराता हुआ यहां पर सड़कों के अलग अलग हिस्सों पर, तो वहीं दूसरी तरफ वहीं पर मुस्कुराता हुआ बांग्लादेश का भी झंडा, जो ये संकेत कर रहा है, जो ये संदेश दे रहा है कि दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ कितनी तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं, तमाम
दूसरे मुल्कों को पीछे करके, और वही तस्वीर इस वक्त समूचे बांग्लादेश में, समूचे ढाका में देखने को मिल रही है। चित्रा में लौटती हूँ आपके पास। चित्रा लगातार हमारे साथ जुड़े। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर बांग्लादेश में जबरदस्त जोश नजर आ रहा है, और इसी दौरे के कूटनीतिक मायने क्या है, आज तक संवाददाता चित्रा त्रिपाठी ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के विदेशी मामलों के सलाहकार गौर रिजवी से खास बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश पहुंच चुके हैं, तमाम उनके कार्यक्रमों की शुरुआत हो चुकी है। और आपको बताते चले, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा एक ऐसे वक्त में जब 50वीं सालगिरह बहुत धूमधाम से इस वक्त पूरा का पूरा बांग्लादेश मना रहा है। ढाका में इस वक्त मेरी मौजूदगी है और प्रधानमंत्री शेख हसीना के स्पेशल सलाहकार गौहर रिजवी साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज तक पर सर बहुत स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल, आपने क्या बोना छे, कैसे हैं आप? ठीक ठाक एंड थैंक यू। आप लोग आए हैं यहाँ, हमें बहुत खुशी है कि यह हमारा बड़ा स्पेशल ओकेजन है। यह हमारा स्वाधीनता का 50 बच्चर है, और ये स्वाधीनता में इंडिया ने जो हमारा साथ दिया उसको इस मौके में हम उन लोगों को फिर धन्यवाद देते हैं, याद करते हैं उन्होंने हमारे स्वाधीनता के लिए। उन हमारे भारतीय सोल्जर लोग ने अपना खून दिया बिल्कुल, और उसके साथ साथ हम लोग हमारे बंगो बंधु जाति के पिता उनका 100 साल सालगिरह मना रहे हैं, इसमें प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा रिकग्निशन है कि वो आए हैं हमारे साथ, उनका सालगिरह मनाएंगे बिल्कुल, उनके गांव में उनके समाधि में जाएंगे, और बहुत सारी चीजें हो रही हैं, तो इसलिए आप लोग का आना हमारे लिए बहुत ही बहुत खुशी का काम। आगे बढ़ते हैं और अब बात साजिश वाली नौकर की, जिसका कनेक्शन एंटीलिया कांड में घिरे सस्पेंड पुलिस अधिकारी सचिन वाजिद से निकल रहा है। एनआईए ने 9 कारों में से 6 जब्त कर ली हैं, जबकि 3 की तलाश अभी भी जारी है। वाजिद का कारनामा, साजिश वाली नौकर, 6 कार जब्त, 3 की तलाश। मुंबई के सस्पेंडेड पुलिस अधिकारी सचिन वाजे के रहस्य लोक में अब 9 लग्जरी कारों का कनेक्शन सामने आया है। एनआईए इन्हीं 9 कारों की साजिश में एंटीलिया कांड के सुराग भी तलाश रही है और मनसुख मर्डर के तार भी ढूंढ रही है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक सचिन वाजे ने 1 साल में 9 अलग अलग लग्जरी कारों का इस्तेमाल किया। इनमें 6 कार को जब्त किया जा चुका है, लेकिन 3 कार की तलाश अब भी जारी है। सचिन वाजे मामले में एनआईए को 3 कारों की इस वक्त तलाश है। कारों का रहस्य इस पूरे मामले में एक बार फिर गहराता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि एनआईए सूत्रों ने आज तक को जानकारी दी है कि पिछले 1 साल में सचिन वाजे 9 कारों का इस्तेमाल करता था, जिसमें से 6 कारों को एनआईए ने अपने पास जब्त कर लिया है। वो 3 कारें कहां पर हैं जिनका इस्तेमाल सचिन वाजे की तरफ से किया गया और अभी भी वो गायब हैं। वाजे की साजिश वाली कारों की फेहरिस्त काफी लंबी है। सबसे खास कार स्कॉर्पियो है, जो इंटीलिया के बाहर मिली। इसी कार में जिलेटिन की छड़े मिली। ये कार मनसुख हिरेन की थी। दूसरी कार इनोवा है, इसी का इस्तेमाल एंटीलिया के बाहर से फरार होने के लिए इस्तेमाल किया गया। ये कार क्राइम ब्रांच की थी। तीसरी अहम कार नीली मर्सिडीज है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी मिला है। कार में वाजे बैठा है और ट्रैफिक सिग्नल पर मनसुख इस कार में बैठता दिख रहा है। एक और मर्सिडीज क्रॉफोर्ड मार्केट से मिली। इस कार में कैश के साथ काउंटिंग मशीन भी मिली। एक लैंड क्रूजर कार वाजे के घर से मिली। इस कार में 26 फरवरी को मनसुख और वाजे। और अब हम आपको सीधा लिए चलते हैं आज मुंबई के मॉल में चल रहे अस्पताल में आग लगी। फडणवीस क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। मैं तो ऐसा मानता हूं कि रिपोर्ट उन्होंने तैयारी नहीं की। ये रिपोर्ट शायद, मैं ऐसा मानता हूं कि जितेंद्र आव्हाड़ या नवाब मलिक, इन्होंने शायद तैयार करके उनको दी और उन्होंने सिग्नेचर की है। इसका कारण यह है कि इस रिपोर्ट में इतनी फैलसीज है। सबसे पहली फैलसी क्या है, तो वो ये है कि यह रिपोर्ट ऐसे कहती है कि जब नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा
पब्लिक ऑर्डर का मुद्दा ये उपस्थित होता है तभी इस प्रकार से टैपिंग किया जा सकता है और हमको गलत बताकर हमारे से परमिशन ली। मैं ऐसा मानता हूं कि अगर आप जो टेलीग्राफ एक्ट है इसमें टैपिंग के बारे में जो पैराग्राफ पढ़ेंगे उसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि इंसाइटमेंट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑफेंस। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।